अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फिर से आपको टेक्निकल आलम चैनल में स्वागत करता हूँ। तो देखिए, नया कोई इंसान जब नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, बहुत मेहनत करने के बाद वीडियो बनाते हैं फिर भी उस वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोज़ देखते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एक सिस्टम फॉलो करो तब आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, तब आपके वीडियोज़ में व्यूज़ आएगा। तो बहुत सारा सिस्टम तो देख चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देख देख के नए यूट्यूबर थक चुके हैं। मेरे हिसाब से वो लोग सही बोलते हैं जो लोग बोलते हैं कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सही करो तब आपका वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन आप ये सब करते हैं फिर भी क्यों व्यूज नहीं आते हैं, इसका रीजन क्या है? तो देखिए, आप जो कर रहे हैं यूट्यूब में टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये सब जिस तरह लिख रहे हैं सही लिख रहे हो आप सब, लेकिन फिर भी आपका वीडियोज वायरल नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है आपके वीडियोज में, इसका रीजन क्या है? देखिए, आपके अंदर कुछ गलतियां तो नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हो ना यहाँ पर और छोटा सा एक बात है उसको आपको समझना है। जब आप उसको समझ जाओगे तो आपको इसके अलावा आप जो कर रहे हो उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, और ये बात जब आप समझ पाएंगे ना उसके बाद से ही आपका वीडियोस में व्यूज आना शुरू हो जाएगा। तो क्या बात है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा, और यूट्यूब के एल्गोरिथम क्या कहते हैं इसके ऊपर के कैसे यूट्यूब का वीडियोस वायरल करना चाहिए, कैसे वायरल करते हैं, मतलब है कि यूट्यूब टीम वो लोग कैसे कोई भी वीडियोस को वायरल करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, तो सब कुछ स्टेप स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी वीडियो हर रोज लाता रहता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शमशेर आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल आलम यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पर वीडियो क्यों वायरल नहीं होता है इसके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बनाया है, और वो लोग बोलते हैं, उन लोगों का कहना है टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन ये सब अच्छा करो तभी जाके वीडियो वायरल हो जाएगा, लेकिन आप तो वो सब करते हैं फिर भी YouTube का वीडियोस क्यों वायरल नहीं होता है, एक सवाल है, इसका जवाब क्या है? देखिए कि YouTube का जो एल्गोरिथम है, YouTube का जो सिस्टम है वीडियोस वायरल करने का, आपका कोई भी वीडियोस किसी की वीडियोस के सजेस्टेड लिस्ट में या सर्च लिस्ट में आएगा वो लोग, तो इसको लाने के लिए एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या आप फुलफिल कर पाते हैं या नहीं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है, यूट्यूब का SEO क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये सब जब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे उसके बाद ही आपको पता होगा कि किस तरह से वीडियोस में काम करने से, किस तरह से यूट्यूब में काम करने से यूट्यूब में कोई भी वीडियोस जल्दी वायरल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब में अच्छा वीडियोस बनाएंगे, अच्छा टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये सब लिखेंगे तो ही आपका वीडियोस वायरल हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। सबसे पहले यूट्यूब का जो सिस्टम था कोई भी वीडियोस वायरल करने के लिए वो था कि जिस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज था उन सब वीडियो को सबसे पहले वायरल कर देते थे, लेकिन लोग इसके ऊपर फेक व्यूज लाना शुरू कर दिया, इसलिए यूट्यूब ने उसके बाद लाया वॉच टाइम, मतलब है कि वॉच टाइम को देखना शुरू किया कौन सा वीडियोस में सबसे ज्यादा वॉच टाइम है, तो उन सब वीडियो को वायरल करना शुरू किया। और अभी के समय यूट्यूब वॉच टाइम और व्यूज दोनों को देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि कौन सा वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज और वॉच टाइम है, उन्हीं वीडियोज को सबसे पहले वायरल कर देते हैं, सजेस्टेड लिस्ट में भी लाते हैं और सर्च लिस्ट में भी वो लोग लाके देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए और भी एक बात आपको जानना बेहद जरूरी है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। देखिए, आप जब कोई YouTube में कुछ सर्च करते हैं, देखिए जैसे कि आप YouTube में अगर सर्च करते हैं Redmi Note 8 Pro, ये जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी Note 8 Pro Redmi Note 8 Pro का वीडियोस है सभी वीडियोस आ जाते हैं। और अभी तक मैंने जो भी कुछ आप लोगों को बताया हो इस वीडियो में, यहाँ पर मैं आप लोगों का मन में जितने भी सवाल है उन सब सवालों का 50% आंसर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन ये बात आप समझ ही नहीं पाया है, इसको मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। देखिए, आप जब कोई भी वीडियोस यूट्यूब में सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उनसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वो सब वीडियो यूट्यूब आपके सामने लाके देता है, और उन्हीं वीडियोस में से सबसे फास्ट रैंकिंग में जो वीडियो आता है वो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी होता है, मतलब है कि उसका वॉइस क्वालिटी, उसका थंबनेल टाइटल टैग सभी कुछ अट्रैक्टिव होता है, और उस वीडियो को सबसे ज़्यादा लोग देखते भी है और वॉच भी उस वीडियो को करते हैं, इसलिए वो फास्ट रैंकिंग में आ गया है। यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप तो उसके ऊपर सर्च किया है, लेकिन यूट्यूब कैसे समझ पाया
कि आप जो सर्च किया है ये सब वीडियो उन्हीं के ऊपर है, और जो लोग वीडियो बनाए हैं ये सब थंबनेल टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में ये सब अच्छी तरह लिखा है, और उसी की वजह से YouTube समझ पाया। और YouTube जब समझ पाया उसके बाद ही आप जब उसके ऊपर वीडियो YouTube में सर्च किया है उसके बाद ही YouTube आपके सामने ला के दिया है। पहले YouTube को समझना होगा कि आपका जो वीडियो है वो किस कैटेगरी के ऊपर है, तभी जाके आपका वीडियो सर्च लिस्ट में या सजेस्टेड लिस्ट में ला पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखिए कि आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग बहुत ही अच्छी तरह लिखना होगा। जिस कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाते हैं उस कैटेगरी के ऊपर उनसे रिलेटेड बहुत सारा टैग आपको लिखना है। तो देखिए कि आपको समझने वाली बात यह है कि आपका जो वीडियो है वो किस कैटेगरी के ऊपर है वो सबसे पहले समझना होगा YouTube टीम को। जब YouTube टीम समझ पाएगा कि आपका वीडियो कौन सा कैटेगरी के ऊपर है तभी वो उसी कैटेगरी के ऊपर जो भी लोग सर्च करते हैं तो उसके सर्च लिस्ट में ला के देगा आपका वीडियो, और सजेस्टेड जो जितने भी लोग उस कैटेगरी के ऊपर वीडियो देखते हैं तो उन लोगों के सजेस्टेड लिस्ट में भी आपका वीडियो ला के देगा। तो फ्रेंड्स अभी तक इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी कुछ बताया हो ये सब यूट्यूब टीम कैसे कोई भी वीडियोज़ को वायरल करते हैं और यूट्यूब का वीडियोज़ कैसे वायरल होते हैं इसका आंसर था ये सब। लेकिन अभी तक मैं आप लोगों को आपके वीडियोज़ में क्यों व्यूज नहीं आता है इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं दिया हो, यहाँ तक कि मुझे एक डाउट से आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट कर सकते हैं। आप जो ये जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं लेकिन आपके चैनल में आपकी वीडियोस में व्यूज कहाँ है, इन दोनों का आंसर ही आप जान लीजिए। देखिए कोई भी पुराना यूट्यूबर जब अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के साथ साथ ही बहुत सारा व्यूज आ जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन उसका एक्टिव सब्सक्राइबर, उसके बाद बहुत सारा सब्सक्राइबर, मिलियन सा सब्सक्राइबर है और वही लोग उसका वीडियोस देख लेते हैं, इसीलिए उसके वीडियोस पर बहुत जल्दी बहुत सारा व्यूज आ जाते हैं। लेकिन आप और मुझ जैसे यूट्यूबर के वीडियोस पर ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, इसका रीजन क्या है, देखिए आपके पास और मेरे पास ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, आपके वीडियोस और मेरे वीडियोस में कब व्यूज आएगा। देखिए कोई भी नए यूट्यूबर के चैनल में तभी व्यूज आते हैं जब उनकी वीडियोस सजेस्टेड लिस्ट या सर्च लिस्ट में आना शुरू होता है, तब उनके वीडियोस में व्यूज आना शुरू होते हैं। और सजेस्टेड लिस्ट और सर्च लिस्ट में वीडियो लाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए आपको टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छी तरह होना चाहिए, जिस कैटेगरी के ऊपर आपका वीडियो है उसी कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए आपका टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन, और थंबनेल भी उसी कैटेगरी के ऊपर होना चाहिए, तभी यूट्यूब टीम समझ पाएगा कि आपका वीडियो किस टॉपिक पर है। और उस टॉपिक पर जब कोई लोग सर्च करता है यूट्यूब में तो सर्च करने के बाद क्या होता है कि यूट्यूब टीम आपका वीडियो उसके पास ला के देता है और तभी जाके ऑडियंस उस वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा और तभी जाके यूट्यूब में व्यूज आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको और भी एक काम करना होगा, अभी तक तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा था कि आपका टाइटल टैग थंबनेल ये सब अच्छा होना चाहिए तभी आपका वीडियो रैंक करेगा, आपके चैनल में व्यूज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन किस तरह का अच्छा करना चाहिए आपको, देखिए आप जिस भी कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाते हैं ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आप ही का वीडियो है उसी कैटेगरी के ऊपर, और उसी कैटेगरी के ऊपर बहुत सारा वीडियोस है यूट्यूब में, इसीलिए आपको क्या करना होगा उन सब से थोड़ा अलग करना होगा, मतलब है कि सबसे बेहतर करने की सोचना होगा कि उन जितने भी वीडियोस है यूट्यूब में उन सबसे कैसे अच्छा कर सकते हैं, बोलने का तरीका, मतलब टाइटल टैग और थंबनेल ये सब कुछ अच्छा करना होगा, सभी वीडियोस से अलग करना होगा, तभी जाके आपका वीडियो रैंक करेगा और तभी जाके आपके चैनल में व्यूज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब यूट्यूब में एक्टिव सब्सक्राइबर हो जाएगा उसके बाद जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे साथ साथ ही बहुत सारा व्यूज आ जाएंगे। और मैं एक बात बहुत ही वीडियो में बोल चुका हूँ कि अभी के समय यूट्यूब में जल्दी सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है, पहले तो ये सब हुआ करता था बहुत ही जल्दी कोई भी एक लोग यूट्यूब में सक्सेस हो पाते थे, लेकिन अभी के समय यूट्यूब में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है और इसीलिए अगर आप लोग यूट्यूब में सक्सेस होना चाहते हैं तो थोड़ा धीरज रखिए, अपने अंदर मजबूती रखिए कि मुझे यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, कब पैसा मिलेगा या ना मिलेगा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, ये सब अगर मजबूती रख पाते हैं अपने अंदर तो ही जाके आप लोग यूट्यूबर बन पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जल्दी करते हैं तो आप लोग यूट्यूबर नहीं बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स आखिर में मैं यही आशा करता हूँ जो भी कुछ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था सभी कुछ मैं आप लोगों को सही सलामत समझा पाया। फिर से कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, और हाँ इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना, मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।